तो एपिसोड 1 और 2 में आपने देखा कि गुलगुला रचित के घर आता है, लेकिन रचित गुलगुले को भगा देता है। पर गुलगुला इस बार अपने पापा यानी पप्पू के साथ वापस आ जाता है और पप्पू रचित के पापा को परेशान करता है और गुलगुला रचित को परेशान करता है। फिर रचित और रचित के पापा उन दोनों को भगाने का प्लान करते हैं, पर वो प्लान फ्लॉप हो जाता है। और अब वहाँ गुलगुले की मम्मी और पप्पू की पत्नी यानी कि पप्पी वहाँ आ जाती है। जिसने एपिसोड 1 और 2 नहीं देखा है, पहले जाकर आप वो देखिए। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आइए आइए, क्या जरूरत थी उसको यहाँ रुकवाने की? जाने क्यों नहीं दिया? किससे पूछ के रुकवाया यहाँ? हाँ पापा, जब सब जा ही रहे थे तो जाने क्यों नहीं दिया? और वैसे भी हमारी डील हुई थी इनको भगाने की, रुकवाने की नहीं। डील? कैसी डील? अरे मम्मी वो सब छोड़ो, अभी पापा पे फोकस करो। अरे यार, ऐसे कैसे जाने दे सकता था मैं? इतनी नाजुक सी तो है बेचारी, कहाँ रहती? और सुना नहीं तुम लोगों ने, उस हरामखोर पप्पू ने तो अपना घर तक बेच दिया। तो तुम्हें क्या जरूरत थी यहाँ रोकने की? ये पप्पू की टेंशन है, तुम्हारी थोड़ी। अरे काहे का पप्पू, एक बेचारी अबला नारी फंस गई उसके साथ। मम्मी देख लो, अबला नारी। मुझे पता है वो कितनी अबला नारी है, जभी तो दूध वाले के साथ भाग गई, अब मेरे पति पर डोरे डाल रही है। अरे कितनी जरूरत थी उसको एक परिवार में रहने की। बेचारा गुलगुला कहाँ जाता है इस लॉकडाउन में? बात तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मुझे तुम्हारी नीयत पे शक हो रहा है। चुप हो जाओ, कैसी बात कर रही हो बच्चों के सामने, शर्म नहीं आती तुझे? शर्म नहीं पापा, मुझे सब समझ आ रहा है। अरे बेटा अभी तुझे कुछ समझ में नहीं आएगा, जब मेरी उम्र में आओगे ना तब पता लगेगा क्या सही है क्या गलत। और तू ऐसे ही परेशान मत हो, वैसे भी उनको सिर्फ लॉकडाउन ही तो रहना है हमारे साथ यहाँ। एक तो मैं तेरे भाई की भलाई के बारे में सोच रहा हूँ। पापा हमको सब पता, आप कौन सी भलाई की सोच रहे हो? मैं नहीं रह सकती इस पर दौड़े के साथ, मैंने आपको पहले ही कहा था ना जीजा जी। जीजा जी नहीं, सतीश जी। हाँ भाई सतीश जी, मैंने आपको पहले ही कहा था ना। पहले ही कहा था मतलब? अरे अभी कहा था, थोड़ी देर पहले बाहर ही कहा था। मैं अब परेशान हो गई हूँ, मैं नहीं रह सकती इस आदमी के साथ, मैं जा रही हूँ। हाँ तो जाओ ना, जब सोच लिया तो जाओ। स्वाति बेटा, मामी का सामान पैक कर और बाहर तक छोड़ के आ। अरे ऐसे कैसे जाएगी बेचारी, रात का टाइम है और बाहर लॉकडाउन लगा हुआ है। हाँ सतीश जी ये भी तो है, मैं तो फंस ही गई हूँ। पप्पी जी आप एक काम करो ना, आप यहीं सो जाओ हमारे साथ हमारे रूम में। अच्छा एक काम करती हूँ, मैं ही बाहर चली जाती हूँ, तुम दोनों साथ में यहीं सो जाओ। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसे थोड़ी ना कह रहा था। एक काम कर पप्पी, स्वाति के कमरे में जाकर सो जा तू। बुआ जी मैं ना मम्मी के साथ ही सोऊंगा। लेकिन मम्मी मैं कहाँ सोऊंगी फिर? अरे बेटा मामी के साथ सोने में क्या दिक्कत है, एक साथ सो जाओ। मम्मी मेरी प्राइवेसी खराब कर रहे हो आप। अरे दीदी मेरी भी तो प्राइवेसी नहीं है। कराऊं तेरी प्राइवेसी खराब? मैंने बोल दिया सो बोल दिया, मेरा वचन ही है शासन। वाह बुआ जी वाह। क्या हुआ पप्पी, मुझे छोड़ के क्यों भाग आई? अरे पप्पू भाई तू जाके सो जा अपने कमरे में और वहीं पर बम फोड़ दू अपने बस। अरे जीजा जी आपको तो पता ही है, दीदी ने तो कितना सारा खाना खिला दिया, अब गैस के गोले तैयार तो हो नहीं थे, फटेंगे ही। अब वो मेरे हाथ में थोड़ी है, वो तो नेचुरल है, फटेंगी। देखा इसीलिए मैं इस आदमी के साथ नहीं रहना चाहती थी, बस इसीलिए ना मैं इसे छोड़कर दूध वाले के साथ भाग गई। अरे कभी अपने रिश्तेदारों पे नजर डाल ली होती, दूध वाले से तो बहुत अच्छा हूँ मैं। क्या बोले? कहाँ बोला, मैंने कुछ नहीं बोला। रचित बेटा तू एक काम कर, अपने मामा के साथ सो जा उसके रूम में। अरे नहीं नहीं मम्मी, मैं अपना फर्श पे ही सो जाऊंगा, मैं वहीं ठीक हूँ। तो ये पप्पू की पप्पी आ गई, सारा दिन टाइम खोटी कराती रहेगी, ऊपर से काम वाली ने और दुखी कर रखा है इस लॉकडाउन में, वो आती नहीं है ये लोग जाते नहीं है। क्या करूं,
अरे स्वाति, स्वाति बेटा, रचित। क्या हुआ मम्मी? अरे बेटा मेरी हो रही है तबीयत खराब, दोनों मिलके पूरे घर की साफ सफाई करो, झाड़ू पोछा करो। अरे मम्मी एक बात बताओ, इस घर में सभी लोग रहते हैं तो हम ही लोग क्यों करें झाड़ू पोछा? अरे और क्या, तेरी मामी करेगी। मम्मी आइडिया तो बढ़िया है, मम्मी ही तो करेगी, आप आराम करो और हमें भी करने दो। अरे सही कह रहा मेरा बेटा, रोज झाड़ू पोछा कराऊंगी, थोड़े दिनों में ही भाग जाएगी। अरे मेरे तो बहुत ज्यादा सिर में दर्द हो रहा है, क्या करूं? हाय हाय कितना सिर में दर्द फटने वाला हो रहा है सिर तो। हाय आज तो सिर फट ही जाएगा, काम वाली भी नहीं आई, कैसे करूंगी सारा काम। क्या हुआ दीदी? अरे क्या बताऊं पप्पी, मेरी तो बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही कुछ भी करने की। ये बच्चे कुछ करते नहीं हैं और इनका बाप इनसे भी महान। मैं अकेली इतना परेशान हो गई हूँ, मेरी समझ में नहीं आता इतना सारा काम मैं अकेली कैसे करूँ। फॉर्मेलिटी के लिए पूछ ले, हाँ मैं लगा दूँ क्या? मना ही करेगी, मुझसे थोड़ी कराएगी। दीदी मैं लगा दूँ क्या? अरे हाँ पप्पी, तेरा इतना मन था तुझे पहले बताना चाहिए था। ये ले पकड़ झाड़ू और पूरे घर की सफाई कर देना। पहले मेरे रूम में, फिर पप्पू के रूम में, बच्चों के रूम में और बाद में हॉल में, पूरे घर की अच्छे से सफाई कर देना। हे राम ये क्या हो गया, मैंने तो ऐसे ही बोला था। अरे क्या सोच रही है? कुछ नहीं दीदी, अभी कर देती हूँ, चल लग जा सफाई पर। पता नहीं मैंने बोला ही क्यों, मैं तो अपने ही जाल में फंस गई। लगाओ झाड़ू। क्यों आगे पीछे डोलते हो घबरों की तरह, क्यों देखते हो मुझको यूं बेसब्रों की तरह। क्यों आगे पीछे डोलते हो घबरों की तरह, क्यों देखते हो मुझको यूं बेसब्रों की तरह। क्या मेरे पप्पी जी आप ये क्या कर रही हो? ये खूबसूरत जवानी झाड़ू पोछे के लिए है क्या? और वो रचित की मम्मी कहाँ है, वो क्यों नहीं कर रही? वो दीदी के सर में दर्द हो रहा था तो मैंने सोचा मैं उनकी थोड़ी हेल्प कर दूं। अरे कोई दर्द वर्द नहीं है उसको, छोड़ो आप ये सब। और एक दिन झाड़ू पोछा नहीं लगेगा तो कोई फांसी तो नहीं लग जाएगी? लेकिन मैंने दीदी को बोल दिया है तो करना तो पड़ेगा ना। अच्छा आप एक मिनट रुको बस, रचित बेटा, रचित कहाँ रह गया, जल्दी जरा रचित। तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तेरी मामी अकेली लगी हुई है और तुम्हें शर्म नहीं आ रही? घर में आए मेहमानों से तुम झाड़ू पोछा लगवा रहे हो? पापा लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं, तू भी कर सफाई, बोला ना मैंने। अरे यार हर बार मेरा प्लान उल्टा क्यों पड़ जाता है? और रचित तू अपने कमरे में जाके झाड़ू पोछा कर, चल। और पप्पी जी आपकी झाड़ू लगाने में मैं मदद करूंगा ना। अरे पप्पी जी आपको क्या पता झाड़ू कैसे लगती है, मैं बताऊंगा ना और मैं लगाऊंगा ना झाड़ू पोछा, आप क्यों करोगे? आप बैठो। अच्छा ये सफाई चल रही है यहाँ? दीदी मैंने तो इन्हें मना किया था पर सतीश जी बोले कि मैं सफाई करना सिखा देता हूँ, तो मैंने सोचा थोड़ा सा मैं भी सीख लेती हूँ। हाँ हाँ आई बड़ी सफाई सीखने वाली तू, चल रसोई में बर्तन साफ कर।
बड़े सफाई के टीचर बन रहे हो ना, अब पूरे घर में झाड़ू लगाओ तुम, चल। मम्मी पापा ना मेरे को भी बोल रहे थे झाड़ू लगाने के लिए। तू कहीं सफाई नहीं करेगा, आज सारे घर में झाड़ू तेरे पापा लगाएंगे। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। अब तुम सफाई करो और कोने कोने में सफाई करो, ढंग से निकालो, यहाँ से निकालो, यहाँ से भी ढंग से निकालो। जा बेटा तू खेल ले, अच्छे से लगा लो सारे घर में ढंग से। उस कोने से लगाओ, उस कोने में भी लगाओ, जल्दी लगाओ जल्दी। अरे दिखाई नहीं दे रहा क्या उस कोने में कितना कूड़ा है? अगर ढंग से सफाई नहीं हुई ना तो दोबारा करवा लूंगी मैं, समझे? पूरा घर चमका दो। तेरे प्यार में पप्पी कुछ भी कर जाएंगे हम, कभी झाड़ू वाले तो कभी पोछे वाले बन जाएंगे हम। यार मैं ये सब काम करने के लिए बनी हूँ क्या? बर्तन धुलवाए जा रहे हैं मुझसे, बताओ। मेरे नेल्स भी खराब होने लग गए। अरे यार मम्मी मैं तो पहले इन दोनों से परेशान था, अब इसकी मम्मी और साथ में आके रहने लग गई। कब जाएंगे ये लोग? अरे बेटा मैं तो अच्छा खासा भेज रही थी, तेरे पापा ने रोक लिया। पता नहीं इस पप्पी को देख के उनकी इंसानियत कैसे जाग गई। दीदी वो मेरे पास ना कपड़े नहीं है, जल्दबाजी में मैं बस ऐसी साड़ी में आ गई, तो अगर आपके पास कोई कपड़े हो तो प्लीज दे दो। अच्छा देखती हूँ मैं, मेरा सूट वगैरह कोई आ गया तो तेरे को। अरे कैसी बात कर रही हो, तुम्हारे कपड़े कैसे आ जाएंगे इसको? तू कहाँ इतनी मोटी भैंस, और ये कम सिंसी फुल झड़ी। अरे मेरा मतलब है साइज तो देखो। पप्पी जी आप एक काम करो, स्वाति के कपड़े पहन लो, वो आपको बिल्कुल फिट आएंगे। मेरे कपड़े? हे भगवान, क्या होता जा रहा है मेरे पापा को? मम्मी क्या हो रही है? स्वाति बेटा जाओ अपनी मामी को कपड़े दिखा दो, और पप्पी जी जो पसंद हो वो पहन लेना। स्वाति बेटा तुम्हारे पास कुछ छोटे कपड़े नहीं है? ये कुछ ज्यादा बड़े नहीं है? मामी जी छोटे कपड़े नहीं पहनते हम। याद करो कभी ना कभी तो लिए होंगे। एक दो? अच्छा ठीक है देखते हूँ। बेटे मज कर दी वाह बेटे वाह, अच्छी बात कर ली बहुत मैं करूंगा तेरे साथ। गंदी बात गंदी 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 बात कहाँ खो गए? कुछ नहीं मैं तो वो तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। हाँ हाँ वो तो मैं सब जानती हूँ, ज्यादा इधर उधर ध्यान मत दो समझे। हाँ पापा बना लो मम्मी को पागल। पापा ये ना ठीक नहीं कर रहे हो आप। मम्मी अब कैसे भी करके इन्हें यहाँ से भगाना पड़ेगा। अरे बेटा कह तो तू सही रहा है, पूरे घर का माहौल खराब कर रखा है, और मेरी जिंदगी भी, मेरा रूम भी ले लिया और मेरे कपड़े भी। पहले ये बताओ जब पप्पी भाग गई थी तो वापस कैसे आई, और वो किस डील की बात कर रहे थे तुम लोग? अच्छा हाँ मम्मी
हम तो मुसीबत से छुटकारा पाना चाहते थे, हमें क्या पता था हम ही फंस जाएंगे। अब क्या करें मम्मी? अब क्या करें बेटा, अब तो पूरा लॉकडाउन इनको झेलना ही पड़ेगा। अच्छा अच्छा, तुम टेंशन ना लो, अब मैं तुम्हारी टीम में हूँ। अब सोचना ये है कि इनको भगाएं कैसे। अरे मम्मी, जिस वजह से वो यहाँ आई थी, अगर हम उनको ये बता दे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सब झूठ है, तो मम्मी सब छोड़ छाड़ के वापस भाग जाएंगी ना। और मम्मा को और गुलगुले को कैसे भी करके हम भगा ही देंगे। अरे ये बात तो बिल्कुल सही कही, लेकिन सोचने की बात ये है कि ये राज हम उसको बताएं कैसे। हाँ हाँ, एक बात और, अगर ये बात तेरे पापा को पता चल गई ना, तो बताने नहीं देंगे। ये काम हमने उनसे छुपके करना पड़ेगा। हाँ तो मम्मी, एक काम करते हैं, जब सुबह सुबह पप्पू मामा मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे ना, तो पापा को भी साथ ले जाएंगे। पप्पी मामी उस टाइम अकेली होगी, तब हम जाके पप्पी मामी को सारी राज की बातें बता देंगे। अरे जीजा जी, कहाँ जा रहे हो? चलो मॉर्निंग वॉक पे चलते हैं। अरे साले साहब, तुम फिर अपनी एक आंख फुटवा लोगे, फिर रोओगे। जा भैया, सो जा कमरे में जा। अरे रुको जीजा जी, मैं अपना जुगाड़ लेके चलता हूँ, फेस शील्ड। चलो अब चलते हैं मॉर्निंग वॉक पे। चलो फिर। अरे पप्पी, पप्पी, अरे पप्पी, अरे क्या हुआ बुआ जी, क्या हुआ? पप्पी, तुझे एक बहुत जरूरी बात बतानी थी। लेकिन ऐसी क्या बात है जो इतनी सुबह सुबह आके कर रहे हो? अरे मामी जी, बात ये है कि गुलगुले को ना कुछ नहीं हुआ है। मतलब? मतलब मैं बताता हूँ मामी जी, वो आपके साथ एक प्रैंक किया था। क्या? हाँ, मतलब मेरे गुलगुले को कुछ नहीं हुआ? हाँ मामी जी, गुलगुले को कुछ नहीं हुआ, गुलगुला बिल्कुल ठीक है। तुम लोगों ने ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया। रचित भैया, आपने मेरे नाम पे प्रैंक किया। अच्छा, अब समझ में आया, वो किडनैपिंग वाली प्रैंक कॉल भी आप ही ने की थी। अरे नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, हमने तो बस वो कैंसर वाली कॉल की थी। कौन सी किडनैपिंग, हमें कुछ नहीं पता। बुआ जी, मैं बता रहा हूँ, किडनैपिंग वाली कॉल भी ना इन्होंने की थी। अच्छा, तेरे से तो मैं बाद में निपटूंगी, पहले ये केस सोल्व कर लूं। तुझे बहुत प्रैंक कॉल करनी आ रही है? मामी जी, मैंने तो बस ये इसलिए किया था ताकि आप मामा जी के साथ आके रहो, और गुलगुले को तो कुछ भी नहीं हुआ। तो मामी जी, अब आप जा सकते हो, क्योंकि हमें भी यही लग रहा है कि उस पदोड़े मामा के साथ रह के आपको कोई फायदा नहीं है, तो अब आप उस दूध वाले के पास ही चले जाओ। लेकिन मैं तो उसे छोड़ के आ गई ना। क्या मतलब छोड़ के आ गई? अरे किसी के साथ रहेगी क्या? नहीं। अरे दीदी, वो दूध ही तो बेचता था, लेकिन उसने मुझे बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए थे। रोज उसके व्हाट्सएप स्टेटस पे देखती थी, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके घूमता रहता था, कभी यहाँ कभी वहाँ। फिर मैंने भी सोचा कि मैं भी उसके साथ बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमूंगी, ऐश करूंगी। लेकिन बाद में पता चला कि वो दिन में दूध बेचता था और रात में कैब चलाता था। हाँ तो दूध वाले भी तो पैसे वाले होते हैं। अरे दीदी, लेकिन वो बकरी का दूध बेचता था। बकरी? बकरी का दूध कौन पीता है? वही तो, मैं जाके फंस गई उसके साथ। लेकिन अब मैंने उसे छोड़ दिया और मैंने उसे बोल दिया कि मैं ना मरते दम तक तेरे पास कभी नहीं आऊंगी। हे राम, इसीलिए मेरे वहां जाने के सारे रास्ते बंद है और अब मैं वहां नहीं जा सकती। अब मेरा जो भी है वो मेरा गुलगुला है और मेरा यहाँ कुछ नहीं है। बाकी जो भी हो, एक झूठ से मुझे मेरा गुलगुला तो मिल गया, मैं तो बहुत खुश हूँ। और इस लॉकडाउन में कोई दिक्कत ही नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, और मुझे लगता है आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ हाँ, हमें क्या दिक्कत होगी। अच्छा दीदी, अब मुझे बहुत जोर से नींद आ रही है तो मैं सो रही हूँ। बेटा गुलगुला, तू भी सो जा। हाँ तो सो जा, चल बेटा।
अरे तुमने कहाँ फंसा दिया कुत्तो, और तेरी प्रैंक कॉल, तेरे को तो मैं बाद में सुधारूंगी, अब इनको भगाए कैसे। मम्मी मेरे पास ना एक आइडिया है। क्या आइडिया है? अगर हम दूध वाले को पप्पी मामी की लाइफ में वापस ले आए तो। अरे वाह बेटा, अरे तू तो मेरी हीरा है हीरा। लेकिन बेटा पप्पी ने तो बताया था दूध वाले के साथ उसका ब्रेकअप हो गया। अरे मम्मी जब अपने प्यार को अपनी आंखों के सामने देखेगी ना सारे ब्रेकअप भूल जाएगी। वाह मेरे बेटा क्या बात है, बोल तुझे क्या चाहिए, बता तेरे को क्या चाहिए। वो कुछ नहीं मम्मी, पर आप इतना बोल ही रहे हो तो अपनी डायमंड वाली रिंग दे दो। अरे ये ले मेरी बेटा, तेरी वजह से तो ये जंजाल खत्म हो जाएगा। मम्मी फर्स्ट पार्ट में मैंने ये गलती करी थी, सेकंड पार्ट में पापा ने ये गलती करी थी, अब थर्ड पार्ट में आप ये गलती कर रहे हो। बताऊं तेरे को, गलतियां तू करता है, कभी प्रैंक करता है, कभी ये कभी वो करता रहता कुछ का कुछ, और मेरे को सिखा रहा है। अरे स्वाति बेटा ये तूने बता तो दिया, लेकिन उस दूध वाले को लाए कैसे। अरे मम्मी मैंने आइडिया दे दिया, बाकी मुझे नहीं पता, आप देखो। अरे यार मम्मी क्या कर रहे हैं अब, उस दूध वाले का नंबर भी नहीं है, अगर उसका फोन नंबर होता ना तो उसको फोन करके भी बुला लेते, समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। अरे बेटा स्वाति ने आइडिया तो दे दिया, लेकिन अब तू भी कुछ सोच। फेसबुक, मम्मी फेसबुक से मिलेगा दूध वाले का नंबर पप्पी मामी की आईडी पे जाके। ऐसा हो सकता है तो ढूंढ जल्दी। अभी उसको मैसेज करता हूँ, पप्पी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, सेंड योर नंबर ASAP। मम्मी आ गया उसका नंबर, कॉल कर जल्दी कॉल कर। अभी कॉल करता हूँ। हेलो। हाँ कौन बोल रहा है? मैं तुम्हारा शुभचिंतक बोल रहा हूँ, तुम्हारी पप्पी की शादी होने वाली है और तुम्हारे पास बस आज आज का दिन है, अगर आ सकते हो तो आके बचा लो, वो ना पप्पू से फिर से शादी करने वाली है और उसका और पप्पू का प्यार बढ़ता जा रहा है, अगर हो सके तो बचा लो आके अपने प्यार को। अच्छा पर छोड़ के तो हो गई थी, तुम्हारी बात में कैसे मान लूं? देख भाई वो तो अपने बच्चे की वजह से छोड़ के गई थी, अगर तेरे को विश्वास नहीं हो रहा ना तो मैं तेरे को एक एड्रेस सेंड करता हूँ, कल आइयो एड्रेस पे आके देख लियो उनके प्यार के नजारे, जब तेरे को समझ में आ जाएगा। अरे बेटा उनको बोल तो दिया, लेकिन ये प्लान कामयाब होगा कैसे। अरे मम्मी आप भूल गए क्या, कल क्या है? कल क्या है? कल मेरा बर्थडे है। पागल 3 महीने बाद है तेरा बर्थडे। मम्मी यही तो प्लान है, आपको पता है स्वाति को पता है मेरे को पता है कि मेरा बर्थडे 3 महीने बाद है, लेकिन पप्पी मामी और पप्पू मामा को थोड़ी पता है, और रही पापा की बात, पापा को तो कुछ याद ही नहीं रहता, उन्हें अपना बर्थडे तक याद नहीं है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है, अब कल आएगा मजा, कल देखना अब क्या होगा। दूध वाला? हाँ मम्मी। दूध वाला भाई मेरी बात सुन, भाई मेरी बात सुन, तू थोड़ी देर में आके मैं गेट खोल दूंगा, जब मैं आके गेट खोलू ना तू खुद झांक झांक के देख लियो कि क्या चल रहा है अंदर, ठीक है? चलो चलो हम चलते हैं।
बस 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 देखो बर्थडे सेलिब्रेट हो गया, केक वगैरह काट लिया, बहुत मजा आया। अब एक काम करते हैं, सारे लोग मिलके गेम खेलते हैं। भाई गेम? कैसा गेम? अरे काम करते हैं ना, वो खेलते हैं चिड़िया उड़, मैना उड़, तोता उड़। अरे नहीं नहीं मामा जी, ये चिड़िया उड़, तोता उड़ नहीं। भाई फिर ना ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं, सबकी पोल खुलेगी। अरे नहीं यार, ये ट्रूथ एंड डेयर भी नहीं। तो फिर ना हम वो लूडो खेलते हैं, लूडो। अरे नहीं मामी जी, लूडो वगैरह भी नहीं। मैं बताता हूँ हम कौन सा गेम खेलेंगे। हम खेलेंगे पासिंग द स्टार, और जिस पे स्टार रुकेगा वो करेगा डांस, क्या बोलते हो? ठीक है चलो 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 चलो। मामी जी पहला चांस आपका। पप्पी जी थोड़ा सा जलवा दिखा ही दो, मेरा मतलब है नाचना पड़ेगा ना, स्टार आ गया उनके गोदी में। लेकिन मैं ऐसे कैसे डांस करूंगी, मुझे शर्म आती है। अरे तो मामी जी अगर आपको अकेले डांस करने में शर्म आती है तो आप एक काम करो, आप पप्पू मामा के साथ डांस कर लो ना। क्या इस पदोड़े के साथ मैं डांस करूंगी? बिल्कुल नहीं। मामी जी आज मेरा बर्थडे है और आप मेरी एक छोटी सी विश भी पूरी नहीं कर सकते क्या? आप मेरे को एक बर्थडे पे छोटा सा गिफ्ट भी नहीं दे सकते क्या? अच्छा ठीक है, सिर्फ तुम्हारे लिए। ओ बेटे मौज कर दी। वाह मौज कर दी, वाह बेटे वाह। चले चले चलो ना। भाई यहां से जाग के देख ले और अंदर मत आइयो, बस बस देख ले। हो गया काम? अरे मामा जी वो वाला सीन, जैकेट वाला, आशिकी वाला। जैकेट जैकेट ये लो। पप्पी तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे ये कौन है? पापा ये तो ड्राइवर है। ड्राइवर? कौन ड्राइवर? अरे चुप करो तुम सभी, मैं पप्पी के सात जन्मों का आशिक हूँ। मतलब क्या? मैं पप्पी का बॉयफ्रेंड हूँ। ओ हेलो, बॉयफ्रेंड था अब नहीं है। पप्पी जी तुम तो दूध वाले के साथ भाग गई थी और ये ड्राइवर है, मतलब तुमने दो दो जगह सेटिंग कर रखी है। ए राम, मैं तो बर्बाद हो गया, मेरी बीबी होने के बाद भी दो दो बॉयफ्रेंड बनाकर बैठी है, फिर हम चली गई। अरे चुप करो तुम, दो नहीं है, दूध वाला ही ड्राइवर है और ड्राइवर ही दूध वाला है। अरे वो कैसे? ये सुबह दूध बेचता है और शाम को कैब चलाता है, और तू यहाँ आया कैसे? तुझे तो मैंने छोड़ दिया था ना, निकल यहाँ से। पप्पी अब भी मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन अब मैं तुझसे प्यार नहीं करती। पप्पी तूने ठीक नहीं किया, तेरे से इसका बदला जरूर लूंगा मैं। हाँ ठीक है, जो मन करे कर लियो, अब निकल यहाँ से। ठीक है अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरी बात याद रखियो तुम। अरे ऐसे कैसे जा रहे हो? अरे भाई साहब कहाँ जा रहे हो? अरे बाढ़ में गया भाई साहब, और तू भी बाढ़ में गया, सबके सब बेवफा यहाँ पे। अच्छा तू अरे छोड़ो ना ये सब,
हम अपना गेम कंटिन्यू करते हैं। अरे भाड़ में गया बर्थडे और गेम। मेरा कोई बर्थडे बर्थडे नहीं है और वैसे भी मेरा जन्मदिन 3 महीने के बाद आता है। आओ अब। हे भगवान, क्या करें हम? मम्मी, हमारे तो सारे प्लान फ्लॉप होते जा रहे हैं। बेटा, अब तो हमारी मदद सिर्फ भगवान कर सकता है। भगवान एक मौका दे दे, इस कर्मजली को यहाँ से निकाल सकूँ मैं। मम्मी, हमारे सारे प्लान तो ऐसे ही फेल होने लग रहे हैं। एक काम करो ना, इनको ऐसे भगा दो यहाँ से। अरे बेटा, समाज का मामला है, लोग क्या कहेंगे कि अपने भाई भाभी को भी ना रख सकी और ऐसे ही घर से निकाल दिया। बस एक सॉलिड पॉइंट मिल जाए फिर देखना तुम कैसे भगाती हूँ मैं। भगवान प्लीज हेल्प, हेल्प करो भगवान जी। अरे बेटा गुलगुले, थोड़ी देर बाहर हो गया बेटा। क्यों? अरे बेटा समझा कर, मुझे ना वो पप्पी जी से थोड़ी पर्सनल बात करनी है। पर्सनल बात? ऐसी कौन सी बात करोगे फूफा जी आप मेरी मम्मी से, वो भी अकेले में? शर्म नहीं आती? बुलाऊं अभी बुआ जी को। अरे गुलगुले, ये ले बेटा 500 का नोट और जा ऐश कर। फूफा जी, मैं ना 2 घंटे के लिए बाहर हूँ, आप आराम से बात करो। पप्पी जी, आप रो मत प्लीज। प्लीज पप्पी जी, आप रो मत। पप्पी जी, आप रोते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, आप रो मत। पप्पी जी, आप रो मत, आप रोते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, प्लीज आप रो मत। हो गया चालू साला। अरे ये क्या हो रहा है मेरे घर में? कलमुही करमजली, तूने मेरा घर बर्बाद कर दिया। नहीं दीदी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है क्या? मैं सब अपनी आंखों से देख रही हूँ। अरे तूने पहले अपना पति छोड़ा, फिर दूध वाला छोड़ा, फिर टैक्सी वाला छोड़ा, अब मेरे पति पे डोरे डाल रही है। नहीं नहीं दीदी, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। अरे मम्मी, मिल तो गया मौका इनको भगाने का, यही तो वो मौका था जिसकी आप तलाश कर रही थी। हाँ बेटा, तू सही कह रहा है, भगवान ने हमारी सुन ली। अरे क्या बेशर्मों की तरह अभी भी बेड पे पड़े हो, अब तो खड़े हो जाओ। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तू सोच रही है। तुम चुप करो और तू खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या ताक रही है, निकल मेरे घर से। अरे दीदी आप गलत समझ रहे हो। अरे गलत गया ऐसी तैसी कराने, तू निकल मेरे घर से। दीदी लॉकडाउन में अकेली कहाँ जाएगी, दीदी आप ही बताओ। मम्मी, गुलगुले को और मामा को मामी जी के साथ ही भगा दो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पप्पू एक काम कर, तू भी अपना सामान उठा और निकल इसके साथ। अरे दीदी अगर हम दोनों चले गए तो गुलगुला कैसे रहेगा? अरे आप दोनों जा रहे हो तो गुलगुला भी आपके साथ जाएगा ना। अरे बुआ जी, तू चुप रह गुलगुले, बड़ों के बीच में नहीं बोलते। तुम अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। अरे मम्मी ये रहा इनका सामान, अभी दे के आता हूँ। अरे ये लो सामान, मामा जी पकड़ो और गुलगुले पकड़ अपना सामान ले। अरे दीदी ये कपड़े तो स्वाति के है ना, कम से कम इन्हें तो बदलने दो। अरे तू निकल और ये ड्रेस भी लेकर जा। अरे मम्मी बहुत महंगी ड्रेस है वो मेरी। अरे अभी जा रही, इनको जान देना, तू क्यों टेंशन ले रही है, तेरे को मैं दिलवा दूंगा नई ड्रेस। अरे आप लोग जाओ यार, बाय मामा जी, यार निकलो जल्दी जाओ। सतीश जी, अरे सतीश जी। हाँ हाँ सतीश जी, सतीश जी, सतीश ने साथ ले जा भाई बड़ी। बाय 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 बाय। चलो बला टली।
और तुम क्या कर रहे थे? तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगी। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million. Hey guys, तो कैसी लगी आपको लॉकडाउन विद कजन की ये सीरीज? होप आपको ये सीरीज बहुत 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 पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई तो लाइक्स और कमेंट्स ठोक दो। तो इस सीरीज को यहीं पे एंड करते हैं। लेकिन हाँ, अगर इस वीडियो पर आप लोग 400,000 लाइक्स कर दोगे तो लॉकडाउन विद कजन का सीजन 2 भी लेके आऊंगा। तो जल्दी से लाइक्स और कमेंट्स ठोक दो और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो। और बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। बाय बाय गाइज, लव यू। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।